के मथुरा में सांसद हेमा मालिनी ने शनिवार को स्कूल चलो अभियान रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बच्चों को पढ़ाई के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से यह शहर के मुख्य मार्गों पर निकाली गई। इस रैली की शुरुआत हेमा ने मंच से बच्चों के संबोधन के साथ की। इस दौरान अलग अलग स्कूल से आए बच्चों ने हेमा के संबोधन पर ताली बजाकर स्वागत किया। वहीं बेंच लगाकर भी हेमा का स्वागत किया गया। वहीं हेमा ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि देश व प्रदेश में महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं, जो चिंता का विषय है। हेमा ने कहा कि बच्चियों के प्रति अपराध नहीं होना चाहिए, जो सुनने में आ रहे हैं। हमारी सरकार इन सब का निवारण करेगी। वहीं हेमा ने कहा कि बच्चियों का ध्यान उनके माँ बाप को भी रखना चाहिए। स्कूल जाएंगे, उनके पूरा सिक्योरिटी होना चाहिए। बच्चियों के साथ कोई हादसा ऐसा नहीं होना चाहिए जो हम सुनने में आ रहा है, कहीं कहीं इधर उधर हो रहा है। लेकिन इन सबको ज़रूर हमारी सरकार देखकर इन सबका निवारण ज़रूर करेगी, क्योंकि बच्चियों को हिफाजत देना बहुत बहुत ज़रूरी है। हर स्कूल में हर माँ बाप को भी उसके लिए अपना ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चे को छोड़ दिया इधर उधर। मथुरा से इनसाइड न्यूज़ के लिए जय सरस्वत की रिपोर्ट।